नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ओटीजी यानी कि ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी चैनल को। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम मशीन के जरिए आप पैसा कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आपका एटीएम कार्ड किस बैंक का है, आप किसी भी बैंक के एटीएम कार्ड से किसी भी बैंक की एटीएम मशीन में पैसा निकाल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करें इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप वीडियो को देखते तो जरूर है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। और जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तो मेरे चैनल पर आपको आने वाले वीडियोस के बारे में पता ही नहीं लगेगा। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बराबर में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, अपने चैनल के सभी सब्सक्राइबर्स के लिए मैं बहुत जल्द अपने चैनल पर एक गिव अवे रखूंगा, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको आने वाली वीडियोज में मिल जाएगी। तो इसलिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप उस गिव अवे का फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में कुछ इस तरीके की होम स्क्रीन आपको दिखाई देगी। तो सबसे पहले आपको एटीएम मशीन में अपना एटीएम कार्ड लगा देना है। एटीएम कार्ड लगाने के बाद आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, क्योंकि मशीन आपके कार्ड को रीड करेगी। कुछ ही सेकंड इंतज़ार करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी। अब यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, बेसिकली ट्रांजैक्शन ही अंडर प्रोसेस आपकी चल रही है। थोड़ा सा वेट आपको और करना है, और वेट करने के बाद अब यहाँ पर डालना है अपना 4 डिजिट का आपको एटीएम पिन। तो 4 डिजिट का एटीएम पिन आप जो है एटीएम मशीन पर जो कीपैड होती है उससे टाइप कर सकते हैं। वो पिन कुछ इस तरीके से आपने डाल देना है, और डालने के बाद फिर ऊपर दिए गए कंटिन्यू वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। अब पैसा निकालने के लिए आपको विड्रॉल पर क्लिक कर देना है। तो चलिए फटाफट मैं भी क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। क्लिक करते ही आपको अब वो अमाउंट डालना है जो अमाउंट आप एटीएम मशीन से निकलवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए अगर मैंने एटीएम मशीन से 500 रुपये निकलवाने हैं तो मैं यहाँ पर टाइप कर दूँगा 500 यानी कि 500, और उसके बाद मुझे क्लिक करना पड़ेगा ओके पर इस तरीके से। तो अमाउंट एंटर करने के बाद आपको भी ओके पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोबारा से थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है, क्योंकि ट्रांजैक्शन आपकी अंडर प्रोसेस होगी। थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी। जब ये स्क्रीन आ जाए फिर आपकी एटीएम मशीन से आपका कैश निकल जाएगा। तो अपनी एटीएम मशीन से आपने जो आपका कैश निकला है वो कैश ले लेना है। पहले आपको कैश लेना है। जैसे ही आप एटीएम मशीन से कैश ले लेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी। उसके बाद फिर आप अपना एटीएम कार्ड मशीन से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछिए, मैं जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब दूंगा। दोस्तों, एटीएम मशीन से पैसा निकालने के लिए मैंने सिर्फ इस बैंक की मशीन के ऊपर ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे बैंकों की मशीन के ऊपर अलग अलग से वीडियो बनाई हुई है, जिन वीडियो में मैंने बताया है कि आप अलग अलग बैंकों की एटीएम मशीन से पैसा कैसे निकाल सकते हैं। उन सभी वीडियोस को देखने के लिए आपको यहां पर क्लिक करना पड़ेगा। साथ ही साथ जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ ही आपको इन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप या तो यहाँ से या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके भी उस लिंक पर क्लिक करके सभी वीडियोज को देख सकते हैं।